देख रहे हैं जी न्यूज 18, हर खबर का सच। लुक किया लुक सेंटर लुक किया थैंक यू।
या लुकिया लुक सेंटर लुकिया थैंक यू या लुकिया लुक सेंटर बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने आइए इतने बड़े अवार्ड से मुझे नवाजा गया है क्योंकि कलाकारों का हौसला
तभी बढ़ता है जब कलाकार या किसी भी टेक्नीशियन या कोई भी इंसान का हौसला तब बढ़ता है जब उन्हें आशीर्वाद मिलता है, प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। तो इस अवार्ड के ज़रिए जो मुझे आज प्यार मिला है, आज तक सिनेमा अवार्ड ये मुझे मिला है, मैं समझता हूँ कि मुझे प्रेरणा भी मिली है, हिम्मत भी मिली है, आशीर्वाद भी मिला है और आगे अच्छा काम करने के लिए मुझे और जोश आ गया है। तो मैं पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ, पुनीत खरे का और अग्रवाल जी का, हमारे नरेंद्र शर्मा जी का, सबका धन्यवाद करता हूँ और चाहता हूँ कि वो हर बार मुझे इस तरह से बुलाते रहें और अवार्ड देते रहें ताकि मैं और मेरे काम में मुझे जोश मिलता रहे और मैं आगे बढ़ता रहूँ। प्यार के रंग से खेलो रे होली, ये हिंदू मुस्लिम जो लड़ते हैं मैं उनसे कहना चाहता हूँ, प्यार के रंग से खेलो रे होली, चढ़ के ना ये रंग उतरेगा, हर रंग कच्चा रे कच्चा, प्रेम रंग सच्चा रे सच्चा, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, भूल बिसरे मिल कर दोस्तों, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं होली के दिन। तो मैं दोस्तों, जात धर्म दुश्मनी की होली छोड़िए, खून की होली छोड़िए, प्यार की होली रंगिए, एक दूसरे को प्यार के रंग से रंगाइए, हंसिए हंसाइए और एक दूसरे के दिल में घर बसाइए। हैप्पी होली। From last 5 years, but first time we are launching our premium and luxury range in lehengas and gowns. We believe every girl is own diva and our every collection, every dress have its own story. So I'll request to everyone, please come in my brand Human Class at Bespokewala. For address, you can get all details in our Cinema Aztak new edition. So you are welcome and be the part of our journey. Thank you so much. मैं कहना चाहूँगी एक्चुअली कि ये अवार्ड मुझे बेस्ट इमर्जिंग एक्ट्रेस के लिए ये अवार्ड दिया गया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस काबिल समझा गया और मुझे ये अवार्ड दिया गया और इसके लिए एक्चुअली इसका पूरा जो है ये अवार्ड एक्चुअली मेरे लिए नहीं है, ये मेरे अब्बा जी और मेरी अम्मी के लिए है और मैं इस अवार्ड के लिए शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे प्रोड्यूसर अमूल्य दास, दिनकर कपूर जी का और कृष्णा, जयराम, कार्तिक और अनुस्मृति सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला और मुझे ये रोल दिया गया, इसके लिए मुझे ये अवार्ड मिला है। सो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। शुक्रिया। मेरी अभी एक फिल्म आ रही है 3 शाने, जिसमें प्रियांशु चटर्जी है मेरे साथ में, वो फिल्म अनीस बारूदवाला ने डायरेक्ट की है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, बाकी जो मेरे प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में जल्दी मैं आपको बताऊंगा। होली के लिए मैं कहना चाहूँगी, होली जो है वो रंगों का त्यौहार है और मोहब्बत जो है ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और मोहब्बत जो है वो रंगों को रिप्रेजेंट करती है और मैं ये कहना चाहूँगी कि इस होली पे सब लोग मोहब्बत करें,
सबसे मिलजुल के रहें, क्योंकि जो कुछ भी हमारे देश में इस वक्त हो रहा है उसमें सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की कमी है। तो मोहब्बत करें सब लोग एक दूसरे से, ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। होली के लिए आप सब लोगों को मेरा बहुत बहुत प्यार और हैप्पी होली। पत्रकारिता में मुझे अवार्ड दिया है और हमारे सिनेमा आज तक जो उन्होंने अवार्ड किया है बहुत अच्छा लगा, और उनको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। आपका पेपर का नाम दैनिक मुंबई हलचल और दैनिक मुंबई हलचल, मुझे उसके लिए अवार्ड दिया गया है और हमारे सिनेमा आज तक जो उन्होंने अवार्ड दिया है मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत उनको धन्यवाद शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह करते रहें और सबको सम्मान देते रहे और सम्मानित करते रहे। मेरे लिए अवार्ड बहुत मायने रखता है इसलिए कि हमारा टैलेंट दर्शाता है और हमने जो आगे काम किए हैं उसको भी बहुत मतलब हिम्मत मिलती है आगे काम करने की, बहुत सपोर्ट मिलता है। और ये जो मुझे सुपर मॉडल एंड एक्टर का अवार्ड मिला है इससे मैं बहुत हैप्पी हूँ और पूरी टीम को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। जब अवार्ड मिलता है तो नई इंस्पिरेशन आती है, नई ताकत आती है, और अवार्ड तो ऐसा है कि जब आप कोई काम करते हैं आपके प्रोफेशन में चाहे जिस प्रोफेशन में आपके काम की सराहना करने के बाद ये चीज़ मिलती है तो बहुत खुशी होती है, बीइंग एक्टर अच्छा लगता है। अली सर, यहाँ पे जो है काफ़ी नए आर्टिस्टों को अवार्ड मिला है, आप जैसे सीनियर आर्टिस्ट जो आइडिया मानते हैं आपका सुबह सुबह को मिला है, नए आर्टिस्ट हैं है। बहुत अच्छी बात है। हम लोग के ज़माने में तो गिने चुने लोगों को अवार्ड मिलता था, उस ज़माने में फिल्म फेयर अवार्ड होते या फिर दो चार ऐसे अवार्ड थे, आज तो बहुत सारे अवार्ड शुरू हो गए हैं। और इससे ये है कि नए लोगों को एक हिम्मत मिलती है, नए लोगों को एक ताकत मिलती है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे प्रोत्साहन बढ़ता है न्यू कॉमर्स के लिए। बस मैं अली खान फिल्म एक्टर की तरफ से तमाम देशवासियों को होली की बहुत बहुत बधाई हो, और होली खेलें लेकिन किसी को ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना करें। होली बहुत अच्छा त्यौहार है, हमारे देश का एक बहुत इम्पोर्टेंट त्यौहार है, तो मैं सबको अपनी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हैप्पी होली, आप सब खुश रहें और अच्छे से होली मनाएं। माय नेम इज़ रोशनी कपूर एंड आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड यू कैन से आई एम अ पब्लिक फिगर एंड अ सेलिब्रिटी। आई एम हैविंग मोर देन 1.1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। आई एम गेटिंग दिस अवार्ड एज अ मोस्ट स्टाइलिश दीवा ऑफ इंडिया एंड आई एम वेरी हैप्पी टू गेट दिस अवार्ड। सिनेमा आज तक इन्होंने मुझे ये अवार्ड से नवाजा है एंड मैं दिल से इनको शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू टू तन्मय फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर, फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। सो गाइस, आई विश यू ऑल द सक्सेस एंड थैंक यू सो मच। मुझे आज जो ये अवार्ड मिला है, एक वर्सटाइल एक्टर होने के लिए अवार्ड दिया गया है, तो मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ सिनेमा आज तक के एडिटर इन चीफ मिस्टर नरेंद्र शर्मा एंड माई डियर फ्रेंड मिस्टर बीनू सेन गुप्ता। मिस्टर बीनू सेन गुप्ता चले गए, सुना नहीं कोई बात, और हमारे पुनीत खरे साहब और बाकी जो लोग भी जूरी में थे पैनल पे, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये अवार्ड मेरे लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल अवार्ड है क्योंकि इसके पीछे एक टैग है वर्सटाइल एक्टर होने का, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मुझे जो ये अवार्ड दिया गया है मैं आगे उस जिम्मेदारी का पूरी तरीके से पालन कर सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत बधाई सिनेमा आज तक के सभी लोगों को, आप सभी मीडिया कर्मियों को, हमारे पुनीत भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत 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 शुक्रिया दिल से, दिल से बहुत 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 ही ज़्यादा खुश हूँ। दोनों साथ में बोले तो अच्छी बात है ना। यह बिल्कुल ब्रेक नहीं हो रहा है खुशी से इस फिल्मा अवार्ड के लिए, तो उनको मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया इस अवार्ड के लिए कि आपने हमको ये फ्लैग समझा है, इस अवार्ड के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही खुशी हो रही है इस अवार्ड को लेकर के।
और मैं चाहती हूँ दूसरा अवार्ड भी मिले हम लोगों को, इससे और भी ज़्यादा खुशी होगी। हाय, मेरा नाम रूबी चौधरी है, मैं इंडियन टेलीविजन होस्ट एक्ट्रेस एंड सिंगर हूँ, और आज यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सिनेमा आज तक का जिन्होंने मुझे नॉमिनेट किया, एज एन इमर्जिंग एक्ट्रेस का आज अवार्ड मिला है कि मुझे इमर्जिंग एक्ट्रेस का मिला है अवार्ड। मेरी कुछ शॉर्ट फिल्म्स आई हैं, कुछ एड्स आई हैं, जिनके लिए आज मुझे अवार्ड मिला है, और एक शॉर्ट मूवी आने वाली है बहुत ही जल्द, जो कि बड़ी बॉलीवुड स्टार्स के साथ है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत मज़ा आने वाला है वो देख के, और थैंक यू सो मच सिनेमा आज का वंस अगेन फॉर हैविंग मी। थैंक यू। आपको अवार्ड मिला क्या कहना चाहते हैं? मैं शुभ मल्होत्रा, फैशन लाइफ स्टाइल डिज़ाइनर और फैशन मेंटर हूँ, एंड आई एम हियर। आज मुझे ये आज तक का जो अवार्ड मिला है बहुत ही बढ़िया ऑनर है, बिकॉज यहाँ जो मैंने अंदर देखा बड़े बड़े दिग्गज, और स्पेशली सावन कुमार जी और बख्शी जी के हाथों मिलना बहुत बड़ी बात है। एंड आई विश एवरीवन जिसने ये इतना उम्दा और इतना अच्छा प्रोत्साहन दिया है सबको अवार्ड्स दे के, सतीश जी और सारा ग्रुप और पुनीत खेरे जी, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, और बस ऐसे ही प्रोत्साहन हमें देते रहें ताकि हम अपना काम और अच्छे से और सामने ला सकें। और मैं कहना चाहूँगी खुशखबरी आखिर विमेन एम्पावर्ड, आई विश ऑल द विमेन ऑल द वेरी बेस्ट, और ऐसे ही चमकते रहो, और अवार्ड एवरी अवार्ड इज़ वैल्यूएबल, ज़रूरी नहीं हो कि सिर्फ आपको कोई बड़ा नामचीन अवार्ड मिले, पर हर अवार्ड की एक अलग ही मैसेज होता है, और वो मैसेज को आगे बढ़ाते जाइए। एंड शेयर एंड केयर, थैंक यू वेरी मच, आई विश एवरीवन वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। मेरा नाम अभिनेत्री शिखा मल्होत्रा है, और ये हमारे डायरेक्टर हैं दीपे जोशी जी, इज अवार्ड विनिंग डायरेक्टर। इनकी पहली फिल्म सांकल थी, दूसरी फिल्म चल जा बापू, और अब तीसरी फिल्म कांचली लाइफ इन अ स्लू स्टारिंग संजय मिश्रा एंड मी। तो ये तो रहा हमारा तारुफ। हमारी फिल्म बॉक्स ऑफिस के दूसरे हफ्ते में भी चली, 7 फेब को रिलीज हुई थी, और आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं सिनेमा आज तक अवार्ड के लिए, और यहाँ पर इफ़ यू कैन सी हमें ये अवार्ड मिला है विच इज़ बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस। तो ये कांचली के लिए ये इनकी तरफ से है, क्योंकि ही इज़ द वन हू हैव चूज़न मी फॉर दिस कैरेक्टर। और इतनी बड़ी कहानी जो राजस्थान के इतने बड़े राइटर हैं बिज्जी, उनके बारे में ये बताएंगे कि हाउ इज़ आर फिल्म, सो ही इज़ द बेटर पर्सन टू से जी। सबसे पहले तो ये पुरस्कार जो शिखा को मिला है बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस का, उसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई, और इनकी मेहनत से और हम सबके सहयोग से ये संभव हो पाया कि ये पहला अवार्ड इनके जीवन का इस फिल्म के लिए है। तो हमने फिल्म काफ़ी शिद्दत से बनाई, सभी लोग शिद्दत से बनाते हैं, हमने भी फिल्म बनाई है। विजयदान देखा एक राइटर राजस्थान के, उनकी किसी प्रसिद्ध कहानी पर हमने फिल्म बनाई है, जो अब सिनेमा हॉल्स में आ चुकी है, अब OTT प्लेटफॉर्म पे बहुत जल्दी आने वाली है, बाकी लोग भी देख पाएंगे। तो आज सब कांचली के लिए अवार्ड मिल रहा है शिखा जी को, तो ये सबसे अच्छी खुशी की बात है हमारी। डेफिनेटली, बिकॉज बिजी जो है वो ही इज़ द ओनली नोबल नॉमिनेटेड राइटर फ्रॉम राजस्थान, और कैंचली जो उनकी कहानी है कांचली, विच इज़ अ वेरी बिग स्टोरी, और संजय मिश्रा जी को भी ये श्रेय जाता है क्योंकि वो उनकी इस साल की सबसे पहली रिलीज फिल्म है, और अब जो उनकी सेकेंड फिल्म आई है कामयाब आज रिलीज हुई है, तो हम यहाँ अवार्ड ले रहे हैं कांचली के लिए। तो वी थैंक टू एवरीबडी आउट हियर जो यहाँ सिनेमा आज तक अवार्ड के ऑर्गेनाइजर हैं, और हमारे बहुत ही स्पेशल PR अश्विनी जी जो हमारे साथ हमेशा इस सफर में रहे कांचली को लेकर, और एवरीबडी आउट हियर, मुझे मुंडे जी का नाम पता है, और आपका नाम प्लीज़ मुझे बता दें पुष्कर जी, मुझे अब तो याद रहेगा। सो थैंक यू सो वेरी मच आप सभी का, हु हैव जस्ट कॉन्ग्रेचुलेटेड अस फॉर दिस अवार्ड। थैंक यू। धन्यवाद करना चाहूँगा नरेंद्र शर्मा जी का, जिन्होंने सिनेमा आज तक अवार्ड से नवाजा मुझे, और सतीश अग्रवाल जी का, पुनीत खेरे जी का, सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। इसके पहले भी मुझे 2 साल पहले ये अवार्ड मिल चुका था, और ये 2020 का अवार्ड है सिनेमा आज तक अवार्ड, तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। आपने होली के शो पर परफॉर्मेंस किया है, ऑडियंस ने खूब एंजॉय किया है, क्या कहना चाहेंगे? होली का मौका भी है, ऑडियंस के लिए
ठीक है, मैंने कुछ हट के परफॉर्मेंस किया क्योंकि अभी होली नज़दीक आ रही है और होली का माहौल था, तो उसके लिए मैंने कुछ राजस्थानी जो कल्चर का जो परफॉर्मेंस है तो वो मैंने यहाँ पे दिखाया और आपने देखा कि ऑडियंस ने काफ़ी अप्रिशिएट किया क्योंकि होली नज़दीक आ रही है, तो खुश है इस वजह से, तो बस मुझे अच्छा लगा, मज़ा आया। आपने तकरीबन 2000 लाइव शो किया है, होली सॉन्ग पे भी कोई ऐसा आइटम ऐसा कोई क्लासिकल डांस ये जो अवार्ड मिला है मुझे ये तो स्पेशल नहीं मिला है होली सॉन्ग के कुछ ऐसा स्पेशल करने वाला आज जो मैंने किया वो होली सॉन्ग का स्पेशल ही था और भी कुछ हट के करने की कोशिश करूँगा मैं दर्शन करना आपकी सवाल अपने ऑडियंस के लिए अपने फ्रेंड्स के लिए अपने मॉम डैड के लिए क्या कहना चाहेंगे क्योंकि आपको दोनों सब एक अवार्ड मिल चुके हैं हर महीने 2020 का दूसरा अवार्ड है क्या कहना चाहेंगे कि मैं अपना काम करती हूँ मेहनत करती हूँ और दर्शकों की दुआ है माँ की ब्लेसिंग्स है सबके ब्लेसिंग्स है इसके वजह से ये मुझे अवार्ड मिलता है और मैं स्ट्रे डॉग एनिमल्स का भी काफ़ी करती हूँ तो चाहे जबान जानवर की दुआ है जिसकी वजह से ये मुझे इतने बड़े बड़े अवार्ड मिलते हैं आई एम थैंकफुल टू एवरीबडी और आज के लिए मैं फिर धन्यवाद करना चाहूँगी शर्मा जी का मनीष खेरे जी का और सतीश अग्रवाल जी का थैंक यू सो मच फॉर ऑनरिंग मी सिनेमा आज तक अवार्ड यदि आपके शहर में आसपास कोई घटना दुर्घटना या किसी तरह की खबर है तो जी न्यूज 18 पर वीडियो सहित पूरी डिटेल और हमारे जी न्यूज 18 को सब्सक्राइब करना ना भूलें।